गजब। सो अभी दोपहर के बज रहे हैं 3 और आज हम लोग जा रहे हैं घूमने आइस लेक। सो बड़ा ही अमेजिंग एक्सपीरियंस होने वाला है, और पहले भी हम लोग गए हैं लास्ट ईयर भी, और इस बार लेक बहुत जल्दी फ्रीज हो गई है। ये देखिए बच्चा पार्टी भी तैयार है जाने के लिए, सेम शूज पहन के। तन्वी, तन्नो, गुल्लू और शैलजा भी अपने शूज पहन रही हैं। सो चल के देखते हैं क्या है हाल फ्रोजन लेक का। पहुंचने वाले हैं और ये हमारे बच्चे सब लोग बैठे हुए हैं, हमारे नीलम भाभी और सबके देखो मास्क निकले हुए हैं। अभी बस सर को छोड़ के, तन्वी को छोड़ के, आदित्य सर और पिता पुत्र की जोड़ी भी लगा के रखी है मास्क। ये मैं नहीं कह रही हूँ पिता पुत्र की जोड़ी, ये हमारे पतिदेव कह मैं रिपीट कर रही हूँ। मेरा भी लग गया मास्क, इनका भी लग गया मास्क। तन्नू का मास्क बहुत सुंदर लग रहा है ना, हाँ? क्या बना हुआ डिजाइन, क्या है ये? जिग-जैग। ओ। सो हम लोग पहुंच गए हैं फ्रोजन लेक, और आज संडे है तो काफी लोग यहाँ पे आए हैं, स्केटिंग कर रहे हैं, और यहाँ पे कई सारी ऐसी वाटर बॉडीज हैं जो विंटर सीजन में फ्रोजन लेक में कन्वर्ट हो जाते हैं। सो हम लोग पहुंच गए भाई फ्रोजन लेक, और काफ़ी स्लिपरी यहाँ पे होता है, बड़ा संभाल के चलना पड़ता है। पिछली बार तो कई बार हम लोग गिरे थे यहाँ पे। आदि सर आ जाओ देख के किनारे किनारे थोड़ा पानी है, ये हमारे आदित्य सर हैं जेएनवी लेह में उर्दू विषय पढ़ाते हैं। सो बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है, और यहाँ पे मोस्टली लोग स्केटिंग कर रहे हैं, और कई लोग फिसल के भी गिर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर कुछ सीखने भी आते हैं, और कई बार एक दूसरे को बचाने के चक्कर में भी गिर जाते हैं। धूप भी काफ़ी खिली हुई है, सो पूरी तरह से ये लेक बर्फ बन चुकी है, और काफ़ी मोटी लेयर होती है इस पर, और इस पर चलना भी बड़ा इजी है। ये देखो वो गिर गए और कई लोग यहाँ पे आइस हॉकी की प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, टूर्नामेंट भी होता है इसमें, इस जो ग्राउंड में जहाँ पर अभी हम लोग हैं। ये देखिए इसमें दूसरी तरफ एक और ग्राउंड है, वो ऑफिशियली यहाँ पर जो टूर्नामेंट्स होते हैं तो वहाँ पे ये देखिए कुछ लोग प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। सो एक तरह से विंटर में बहुत ही पॉपुलर पिकनिक स्पॉट है ये। ये देखिए बॉयज एंड गर्ल्स सब लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं आइस हॉकी की। सो यहाँ आने के बाद यहाँ से जाने का मन नहीं करता है, मतलब मोस्टली संडे के दिन काफ़ी रश होता है, काफ़ी भीड़ होती है, और इस फ्रोजन लेक की उस तरफ अगर हम जाएंगे तो वहाँ पे जो आपकी इंडस रिवर है पास में ही, वो भी यहाँ से निकलती है। बहुत ही अमेजिंग जगह है, और इस तरह की बहुत सारी लेक्स है लद्दाख में, विंटर सीजन में पूरी तरह से फ्रीज हो जाती है। यहाँ पे कुछ खिलाड़ी प्रैक्टिस कर रही थी,
ओए बाप रे ये फिर से करना। सो अभी ये काफी एक्सपर्ट है इसमें स्केटिंग में, भैया आ रहे हैं आगे से और किस तरह से आइस पे रुकते हैं वो दिखा रहे हैं ये। ओह गजब। सो विंटर कितना हार्श है, आप देखिए इंडस रिवर भी पूरी तरह से जम गई है और आज हम लोग फ्रोजन लेक घूमने आए थे तो भाई निकिता पटेल जा रही है, खतरों की खिलाड़ी बन रही है। तुम्हारे लिए दूसरी बीबी का इंतजाम कर ले। दिमाग करा। मैं जाऊंगी तभी दूसरी आएगी ना। सो इसमें किनारा पूरा ये देख रहे हैं पूरा फ्रीज हो गया और जो मेन स्ट्रीम है उसमें भी बर्फ के बड़े बड़े टुकड़े दिख रहे हैं। सो अभी जैसे जैसे टाइम बीतेगा दिसंबर लास्ट में और जनवरी की शुरुआत में ये पूरा सफ़ेद चादर यहाँ दिखाई देती है। सो काफ़ी हार्श विंटर है आज, बच्चों की पिकनिक हो रही है, मस्ती हो रही है। ये आदित्य सर और नीलम भाभी बर्फ में सुनीला आसमान और नदी किनारे का जो व्यू है वो आई थिंक बहुत अमेजिंग है। इंडस रिवर के हम लोग किनारे हैं अभी, बस सनसेट होने वाला है और सनसेट होते ही एकदम से सर्दी बहुत तेज हो जाएगी और हम लोग भी यहाँ से निकल ही जाएंगे। काफी खूबसूरत जगह है और हम लोग हैं अभी एकदम ले श्रीनगर नेशनल हाईवे 1 के किनारे और ऊंचे ऊंचे आपको माउंटेन्स भी यहाँ दिख रहे हैं। ये जो आर्मी का ट्रक निकल रहा है ये नेशनल हाईवे है, नेशनल हाईवे 1 जो लेह को श्रीनगर से कनेक्ट करता है। पहली बार एक फ्रोजन रिवर के ऊपर हम लोग खड़े हैं। ये देखिए इंडस रिवर पूरी तरह से जम गई है और बहुत खूबसूरत नज़ारा है सामने। आप देखिए जो वाटर फ्लो है वो अभी तो दिख रहा है बट अभी कुछ समय बाद क्या होगा, एक वाइट लेयर ऊपर दिखाई देगी और उसके नीचे नीचे से वाटर फ्लो होगा लेकिन ऊपर से हमें एक बर्फ की मोटी चादर दिखेगी जो अभी किनारे से तो जमना स्टार्ट हो गया है पानी। सो आज संडे का दिन था और आज हम लोगों ने काफ़ी एंजॉय किया। सो अभी सनसेट होने वाला लेकिन एक बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है और बैकग्राउंड में वाव क्या जो इमेजेस फोटोज आ रही हैं इस समय और सनसेट बस होने को है। ये भाई निकिता पटेल मजा ले रही हो, गिर गई तो बस जाएंगी। आ जाओ आ जाओ। मतलब ऐसा सीन है कि कसम से कि मतलब देख के जी नहीं भर रहा, मतलब वाओ ऐसे लग रहा काश मैं इस बर्फीले तूफान में जाके वहां तैर लेती है ना। तुम्हारी इच्छा अभी पूरी कर लो ना यार, फिर मैं बचूंगी नहीं। सो नदी पूरी तरह से जमी हुई है और आगे आगे जैसे हम देख रहे हैं तो एक काफी मोटी लेयर यहाँ दिखाई दे रही है और बच्चे भी काफी मजा ले रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं और निकिता पटेल की डिमांड है कि हमारी फोटो खींच लो यहाँ पे, पता नहीं फिर ऐसा नजारा देखने को मिले ना मिले। सो पॉज करते हैं, इनका एक फोटो निकालते हैं। क्या बात है तुम्हारी तो वीडियो में ही अच्छी फोटो आ रही है, यहीं से फोटो निकालेंगे वीडियो से। किसमें? अच्छा सुबह सब बिल्कुल सनसेट सामने दिख रहा है, होने ही वाला है एक दो मिनट में। और तन्नू कह रही दिन में आए थे अब शाम हो गई रात होने वाली और सूरज जाते ही एकदम अंधेरा छा रहा है चारों तरफ। ये लाइव आप सनसेट देख रहे हैं लेह लद्दाख में और सूरज लगभग पहाड़ियों के पीछे जा चुका है और हमारे आदि सर भी देखो मौके की फोटो खींचते हुए पूरा फायदा उठा रहे हैं मौके का। So, ये हो गई फोटो क्लिक। सो वास्तव में बहुत शानदार सीन है और सनसेट हो गया है और सनसेट होते ही हालत हो रही है खराब, बहुत ठंडा हो गया है, बहुत ज्यादा ठंडा हो गया है। हम लोगों को अब बहुत जल्दी निकलना होगा यहाँ से। सो अब हम लोग निकलते हैं। बाय। वो देखो ना कितना सुंदर है, कितना ठंडा एकदम हो गया अचानक से।
तो सुंदर लग रहा है ये वाला पीछे वाला नजारा यार। जन्नत तो है ले लद्दाख, लेकिन जब सुबह सुबह पानी भरना पड़ता है ना, बस वही दिक्कत है। वही दिक्कत है। सो अभी टाइम हो रहा है 4:30। सो पहाड़ों के पीछे तो सूरज छिप गया, लेकिन ओ और अभी हम दड़ाम गिरे। लेकिन तो लेकिन सभी दूसरों को गिरते हुए देख रहे थे, अभी खुद ही गिर गए। सो लेकिन दूर जो पहाड़ दिख रहे हैं वहाँ पे अभी भी धूप दिख रही है। सो हमारी नज़र जो है ये रास्ता इतना स्लिपरी है, पहले हम गिरे फिर तंडो धड़ाम गिरी और तंडो के बाद सिलजा भी गिरते गिरते बच गई और तंडो से राव भी स्लिप हो रहे हैं। सो काफी एंजॉय किया हम लोगों ने आज, बच्चे भी एंजॉय कर रहे हैं काफी। ये छोटे छोटे बच्चे स्केटिंग शूज पहन के स्केट कर रहे हैं, ये देखिए। और ज़्यादातर लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, अभी टूर्नामेंट होने वाला है यहाँ पे, अभी कर रहे हैं। कुछ बच्चे देखो बैठ के स्केट कर रहे हैं और तन्नो भी कह रही है हमें भी ऐसी करो। कुछ बच्चे सीख रहे हैं, अभी डर डर के चल रहे हैं। सो बड़ा ही अनोखा नज़ारा है, यहाँ बिल्कुल धूप नहीं और दूर पहाड़ों पर आप देख रहे हैं बर्फ भी चमक रही है। और ये देखो कई बच्चे गिर जा रहे हैं, लेकिन सो जब आप सीखते हैं तो गिरते हैं और गिर के उठना, उठकर गिरना आपकी सफलता के लिए बहुत ज़रूरी होता है। कुछ बच्चे काफ़ी एक्सपर्ट हो रहे हैं देखो, और कुछ बच्चे थोड़ा सा डर डर के सीख रहे हैं। वाओ ये आइस हॉकी की प्रैक्टिस, बॉयज एंड गर्ल्स सब साथ में खेल रहे हैं। शाम के 5 बजने को है, लेकिन अभी भी लोग काफ़ी लोग अभी यहाँ जमा है पूरे ग्राउंड में। सो धीरे धीरे आई थिंक ओए होए होए ये देखिए बच्ची गिर गई है। ए वो भी